हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय की तो बचत करती करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरा पहला हैक होने वाला है इस तरीके की सिरप बॉटल को लेके। जब भी हम इस तरीके की सिरप बॉटल का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ हमें इस तरीके की एक कैप मिलती है, जिससे कि हम मेज़र करके सिरप को यूज़ करते हैं। लेकिन आपने एक प्रॉब्लम इसके साथ फेस की होगी कि जब हम सिरप को इस कैप के अंदर डाल के बच्चों को देते हैं या किसी को भी हम देते हैं, तो हमारा जो सारा सिरप है हमारी इस कैप के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमारी आधी जो है दवाई या सिरप जो है ख़राब हो जाता है या वेस्ट चला जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपना सिरप इस कैप से डालना हो, तो उससे पहले आप क्या करें, अपनी कैप को एक बार पानी से धो लें, और धोने के बाद जब आप अपने सिरप को इसके अंदर डालकर किसी को देंगे तो आपकी दवाई इसके साथ चिपकेगी नहीं और आपकी दवाई जो है काफ़ी सारी वेस्ट होने से बच जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के फ़ोन को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें अपने साथ फ़ोन को, पैसे वाले पर्स को और भी छोटे मोटे सामान को लेके जाना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे हाथ काफ़ी बिजी हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम फ़ोन को भी हमारे ले जाना बहुत ज़रूरी होता है और पैसे भी हमें ले जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी ट्रिक अपनाएं जिसके कारण जो है हमारे दोनों काम आसानी से हो जाए, एक ही साथ हमारे दोनों काम हो जाए, हम फ़ोन को भी साथ ले जा सके और साथ साथ अपने पैसे भी कैरी कर सके। उसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। आप क्या करें, जब भी आप फोन लेके जाएं तो आप देखते हैं कि हम फोन के साथ ये जो है बैक कवर का यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बैक कवर को उतार के अपने जो भी पैसे आप ले जाना चाहते हैं अपने बैक कवर के जो पीछे है, पीछे की साइड पे आप इसके अंदर रख सकते हैं। इससे ना तो आपके पैसे गुमने का डर रहेगा या चोरी होने का डर रहेगा, और आपको अपने साथ पर्स को भी कैरी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक फोन के साथ ही आपके दोनों काम इजिली हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है ब्लाउज को लेके। दोस्तों, अपने बैंगल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ब्लाउज लूज हो जाए तो आपने उसको कैसे टाइट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने बैंगल से रिलेटेड आपको बहुत सारे हैक भी बताए हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका ब्लाउज टाइट हो जाए तो आप उसको कैसे लूज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक जुगाड़ अपना सकते हैं, आप ले सकते हैं बैंगल। आपने क्या करना है, एक बैंगल लेनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, इस बैंगल को हमने अपने ब्लाउज के अंदर लगा देना है। तो उसके लिए पहले आप क्या करें, ब्लाउज को हम ये जो पीछे वाला हुक वाला हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा तिरछा मोड़ेंगे इस तरीके से। बैंगल को डालने के बाद हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बैंगल को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे चाहे तो आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो छोटी-छोटी तुरपाई कर दीजिए, नहीं तो हल्का हल्का आप टांका लगा दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए अभी सेफ्टी पिन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक साइड पर मैंने इसके सेफ्टी पिन लगा दी है। अब इसी तरीके से सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके के मोड़ के अपने इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके पीछे भी हम सेफ्टी पिन को लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से बैंगल लगा दी है। आप देख सकते हैं, इससे एक तो हमारे ब्लाउज की जो है चौड़ाई बढ़ गई, हमारा ब्लाउज लूज हो गया, और दूसरा क्या है कि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत भी लग रहा है और थोड़ा सा हमारे ब्लाउज को ये फैंसी लुक भी दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक भी ब्लाउज से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ब्लाउजेज होते हैं जिनके पीछे का नेक जो होता है डीप नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम डीप नेक को पहने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको काट के तो इसका नेक बड़ा नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान और बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। तो आप इसको अपने नेक को कैसे बड़ा कर सकते हैं और अपने ब्लाउज को थोड़ा सा और स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने ब्लाउज को आप पीछे का जो भी नेक आपको बड़ा या आगे का या पीछे का जो भी आपको नेक बड़ा करना है उसको आप इस तरीके से बिछा दें। और आपने क्या करना है, अब आपने सेंटर की तरफ से लेते हुए इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से मैंने प्लीट्स डाली हैं, इस तरीके से आपने प्लीट्स को डाल लेना है।
और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद लेना है आपने कोई भी ब्रॉच, दो भी आपका जो साड़ी का ब्रॉच होता है हमने अपने नेक के ऊपर लगा देना है। आप देख ही सकते हैं, एक तो ये आपके नेक का साइज बड़ा हो गया है और आपकी नेक की शेप भी चेंज हो गई है। जैसे कि हमारा पहले नेक का गला राउंड था, अब आपका नेक का गला थोड़ा सा वी शेप का हो गया। इसकी मदद से क्या होगा, एक तो आपके नेक की शेप भी चेंज अगर आप करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि आपके जो ब्लाउज का लुक है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो गया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की टी शर्ट्स को लेकर, जो कि हमारे घर में अक्सर बेकार पड़ी होती हैं, कई बार साइज में छोटी हो जाती हैं या फट जाती हैं। तो आज मैं टी शर्ट से आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ कि जिससे कि आपका घर फ्री में ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, कोई भी आप अपने घर पे टी शर्ट ले लीजिए। ये देखिए मैंने टी शर्ट ले लिया है। अब हमें टी शर्ट की ये जो स्लीव्स हैं इसको काट के हमें पहले अलग कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके गले को और स्लीव्स को ऐसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा नीचे की साइड पे है इसको हमें किसी सुई की मदद से हमें इसके नीचे वाले पोर्शन को सिल देना है। और थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें हम थोड़े थोड़े से कट लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े से नीचे कट लगा दिए हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी सुई धागे की मदद से यहाँ से पूरा सिल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे से सिल लिया है। अब ये हमारा एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक कैरी बैग भी बनकर तैयार हो गया। जैसे मार्केट में हमें एक बैग लेके जाना पड़ता है, तो आप इस तरीके से इसको ले जाके अपनी सब्जियां भी लेकर आ सकते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है कि जब भी आप मार्केट से सब्जियां लेकर आए, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, किन्हीं भी सब्जियों को आप टांग कर अपने किचन में हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है रोटी को लेके। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है रोटी को तवे के ऊपर सेक के खाना पसंद करते हैं, तो उसको सेकने के लिए हमें किसी ना किसी कपड़े की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही हम कपड़े के साथ उसको रोटी को सेकते हैं तो कई बार हमारा हाथ जलने का भी खतरा बना रहता है, और कई बार बिगनर्स को रोटी सेकनी भी नहीं आती कपड़े से, तो उनका भी हाथ जलने का डर बना रहता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आसान ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ही ढेरों रोटियाँ बना लेंगे, जिससे कि ना तो आपका हाथ जलेगा और आपकी रोटियाँ भी जल्दी जल्दी सिक जाएंगी। उसके लिए आपने लेनी है एक छलनी, और छलनी की मदद से आप रोटियों को बिना किसी कपड़े की मदद से इस तरीके से सेक सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रोटियाँ अच्छी तरीके से सिक जाएंगी और दूसरा आपका हाथ भी नहीं सड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।